कर्नाटका हिजाब विवाद के दौरान मांड्या पीईएस कॉलेज का ये वीडियो काफी सुर्खियों में रहा। वीडियो में भीड़ का डटकर सामना करने वाली इस लड़की का नाम मुस्कान है। इस वीडियो के सामने आते ही मुस्कान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के गलत दावे चलाए गए और इन सब के बीच मुस्कान के नाम से ट्विटर पर कई अकाउंट्स भी बन गए। ऑल्ट न्यूज आज आपको ऐसे ही कुछ अकाउंट्स की सच्चाई बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर हैंडल @musk_a_n की। पत्रकार महमूदुल हसन ने ट्वीट किया कि ये एक फर्जी अकाउंट है। इस पर जवाब देते हुए इस हैंडल ने दावा किया कि महमूदुल हसन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये मुस्कान का ऑफिशियल अकाउंट है। ऑल्ट न्यूज ने जब सर्च किया तो हमें मालूम हुआ कि इस अकाउंट का हैंडल नेम पहले अक्सा गुल था। ट्विटर पर पुराने हैंडल नेम से सर्च करने पर रिजल्ट में इस नए अकाउंट के ट्वीट्स सामने आते हैं। इन दोनों हैंडल नेम से ट्वीट किए गए एक ही ट्वीट के स्क्रीनशॉट से ये बात साफ हो जाती है कि ये एक फर्जी ट्विटर अकाउंट है। अब बात करते हैं ट्विटर हैंडल @muskan_khan_1 की। इस अकाउंट के पिन किए गए ट्वीट में लिखा है कि ये सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती है, कुछ दिनों बाद से एक्टिव ही रहेगी और फॉलो करने वाले सब यूजर्स को फॉलो बैक देगी। जब एक यूज़र ने इस अकाउंट को फर्जी बताया तो जवाब में इस हैंडल ने लिखा कि किसी के नाम या प्रोफाइल से कुछ नहीं होता, असल विचार होते हैं, हर लड़की मुस्कान है। इस अकाउंट के पहले के एक ट्वीट में दिख रहा है कि इसका यूज़र नेम पहले कुछ और था और ये भी एक फर्जी हैंडल है। ऐसा ही एक और अकाउंट @muskan_khan_0786 है। इस अकाउंट ने एक ट्वीट किया था कि हिजाब पहनना मेरे व्यक्तित्व की खूबसूरती है। इस अकाउंट से मुस्कान खान की तारीफ करने के लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया गया था, लेकिन बाकी अकाउंट्स की तरह इस अकाउंट का यूजर नेम पहले @fatima_khan_72 था। अब बात करते हैं हैंडल @fearlesstaro की। इस अकाउंट के यूजर नेम में मुस्कान का नाम तो नहीं है, लेकिन नाम के सेक्शन में मुस्कान खान लिखा है और डिस्प्ले पिक्चर में भी मुस्कान की तस्वीर है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस अकाउंट की टाइमलाइन चेक की तो हमने पाया कि एक यूजर ने इस हैंडल को फॉलो बैक करने के लिए कहा था और इस हैंडल ने भी उस यूजर को रिप्लाई किया था। पहले इस अकाउंट का यूजर नेम @taru307khan था। ऐसे ही तीन और अकाउंट्स भी हैं जो कि मुस्कान के नाम से एक्टिव है। मुस्कान खान के पिता हुसैन खान के हवाले से पत्रकार महमूदुल हसन ने बताया था कि मुस्कान का ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अचानक से लोकप्रियता पाने के लिए लोगों के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट्स चलाए जा रहे हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन ट्विटर ने इस परेशानी से निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं।